हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। सो आज का सेशन जो है बेसिकली ये होने वाला है सी स्टार के बारे में। इसके जो प्रीवियस लेक्चर है वो मैंने सुबह ही अपलोड किया था, जिसमें कि हमने लेक्चर 1 कम्प्लीट किया है, जिसमें कि हमने पढ़ा है कि जो सितारा मछली है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, कैसा उसका हैबिट एंड हैबिटेट है, किस जगह पर पाए जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी हमने कंप्लीट किए हैं। डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट किया है उसमें हमने, और सारे ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे कंप्लीट किए हैं। तो आज जो सेकेंड सेशन है हमारा ये होने वाला है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितारा मछली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक करेक्टर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बहुत ही डिटेल में चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बस फोकस करते रहना आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है बेसिकली सितारा मछली में, ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह काम करता है। इसका काम जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी इसकी बॉडी में क्रियाएं होती हैं वो इसी के थ्रू पूरी होती हैं, जैसे कि ये लोकोमोशन मदद करता है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है, एक्सक्रीशन में भी मदद करता है यानी कि चलने फिरने में तो मदद करता ही है, इनफैक्ट एक्सक्रीशन जो कि बॉडी का मटेरियल उसको बाहर निकालने में भी काम करता है, ठीक है, जो बॉडी को नहीं चाहिए होता है अनडाइजेस्टेड टाइप, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, इनफैक्ट बॉडी अटैचमेंट, जैसे इनकी बॉडी किसी सतह से जुड़ती है आराम करने के लिए जैसे भी, तो उस बॉडी को अटैचमेंट में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। नेक्स्ट, जितनी भी रिप्रोडक्शन क्रियाएं होती हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ठीक है, डिटेल में एक एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और एग्जाम में हमारे TGT PGT के एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, इनफैक्ट GIC के एग्जाम हो, LT ग्रेड के एग्जाम हो या फिर हमारे BSc के एग्जाम्स में भी ये जो टॉपिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे बहुत अच्छे से फोकस करना, आराम से चीज़ समझ में आएंगी। सो अब हम बात करते हैं कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसमें पार्ट कौन कौन से कंसिस्ट रहते हैं, यानी कि कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो होता है वो होता है मेड्रिपोराइट, सेकेंड है स्टोन कैनाल, थर्ड रिंग कैनाल, देन टाइडवेन बॉडीज एंड रेडियल कैनाल और लेटरल कैनाल, और सेवन्थ होता है ट्यूब फीट, ठीक है। अब देखो मैं एक आराम सी भाषा में अगर आपको समझाऊँ, एक आसान सी लैंग्वेज में, तो मेड्रिपोराइट के थ्रू पानी ने एंटर किया इनकी बॉडी में, सेंटर में ही एक पार्ट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है मेड्रिपोराइट, उसके थ्रू पानी एंटर करता है। इस मेड्रिपोराइट पर कम से कम 200 से 250 पोर पाए जाते हैं, पोर कैनाल पाई जाती हैं जिनके थ्रू पानी एंटर करता है, ठीक है। मेड्रिपोराइट के थ्रू पानी जाता है स्टोन कैनाल में, ये जो स्टोन कैनाल है एक ऐसे शेप संरचना रहती है, इसके थ्रू पानी एंटर करता है इनके थ्रू। स्टोन कैनाल से पानी जाता है रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से वो लेटरल कैनाल से होते हुए एम्पुला में एंटर कर जाता है, एम्पुला से एंटर करके वो ट्यूब फीट के थ्रू बाहर निकल जाता है। देखो कितनी आसानी से बात समझ में आ गई क्योंकि मैंने चीज़ को समझा है। यदि आप भी अब समझते हैं तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे क्योंकि मैं स्ट्रक्चर की मदद भी लूंगी ताकि आपकी समझ बेहतर हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। एक मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिया है अभी, देखो ये होती है सितारा मछली, आप यहाँ देख सकते हैं पेंटामरस है यानी कि 5 भुजाएं होती हैं इसकी, ठीक है। ये सेंटर में ही जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये मेड्रिपोराइट होता है। अभी इस पर फोकस मत करना, सिर्फ मैंने एक आउटलाइन दिखाई है, बाकी स्ट्रक्चर भी लिए हैं मैंने। तो बहुत सुंदर से दिखने वाले एनिमल होता है, इसमें जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है वो सभी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरा होता है, चाहे वो लोकोमोशन हो, रिप्रोडक्शन हो, इनफैक्ट डाइजेशन भी, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इस पर ये छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं यानी कि कांटेनुमा संरचना जो कि इसके डिफेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ट्यूब फीट 7 स्टेप है। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये एक मॉडिफाइड पार्ट है सीलोम का, ठीक है। इसमें जो है सी वाटर भरा हुआ होता है इसकी कैनाल्स में। अब ये मोस्ट मैंने अभी बताया था कि वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, लोकोमोशन में तो मदद करता है यानी कि एनिमल जो होते हैं यानी कि जो सितारा मछली होती है उसको गमन में तो सहायता करता ही है। और कौन कौन से पार्ट इनके अंदर आते हैं, मेड्रिपोराइट आता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया लेकिन फिर बता रही हूँ, मेड्रिपोराइट इसके अंदर आते हैं, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियन कैनाल एंड टाइडवेन बॉडीज, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फीट। सिक्वेंस भी याद कर लेना इनका। सो अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये होता है मेड्रिपोराइट, बिल्कुल यहाँ स्थित है। मेड्रिपोराइट पर क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट होते हैं 200 से 250 पोर कैनाल प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू पानी एंटर करता है। अब मेड्रिपोराइट के थ्रू पानी ने एंटर किया, अब यह है स्टोन कैनाल जो कि ऐसे तरह की संरचना होती है, ऐसे शेप संरचना होती है, इसमें पानी एंटर करता है। मेड्रिपोराइट ने पानी किस में डाले, स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से जाएगा रिंग कैनाल में। ये क्या होती हैं, ये सारी रिंग कैनाल होती हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, ये रिंग कैनाल होती हैं जो कि 5 भुजाओं में डिवाइन हुई होती है। अब ये टोटल पेंटामरस है तो 5 के पास क्या प्रेजेंट होता है, रिंग कैनाल प्रेजेंट होती है।
अब रिंग कैनाल तो आप देख रहे हैं, लेकिन रिंग कैनाल के अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होती है टाइडवेन बॉडीज। देखो टाइडवेन बॉडीज का कोई स्पेसिफिक फंक्शन तो है नहीं, लेकिन ये जो होती है इनको बैलेंस करने का काम करती हैं, पानी को धकेलने का काम करती हैं। बाकी एक स्पेसिफिक फंक्शन कुछ टाइडवेन बॉडी का नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि टाइडवेन बॉडीज किस पार्ट से रिलेटेड करते हैं, कौन से एनिमल में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इकाइनोडर्म्स के सितारा मछली में टाइडवेन बॉडीज हमारी पाई जाती हैं। टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अभी ये रिंग कैनाल है हमारी, ये किस में खुलती हैं जाके, अब रिंग कैनाल खुल जाएंगे आपकी रीडल कैनाल में। अभी जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये वाला ये जो पोर्शन देख रहे हैं रिंग कैनाल से खुल रहे हैं ना, ये रीडल कैनाल में खुल रही है। रेडियल कैनाल से पानी जाता है लेटरल कैनाल के थ्रू। अब लेटरल कैनाल कौन सी है, देखो ये होता है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये होता है एम्प्यूला। हालांकि मैं ड्राइंग बहुत खराब है लेकिन मैनेज करना। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है एम्प्यूला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर की बात करें, ट्यूब फीट या फिर एम्प्यूला बोल सकते हैं। तो अब ये पानी रेडियल कैनाल, तो ये हो गई बीच वाले रेडियल कैनाल है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये जिनसे ट्यूब फीट जुड़े हुए हैं ये होते हैं लेटरल कैनाल। अब लेटरल कैनाल से होते पानी एंटर करता है ट्यूब फीट में। अब ट्यूब फीट का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे एम्प्यूला, और जो नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वाले ये होता है पोडियम, और ये जो थर्ड पोर्शन है जो बिल्कुल नीचे का ये वाला स्ट्रक्चर, ये कहलाता है शकर। इनके थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। आप सभी स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने सभी बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है आपको। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और ई लर्निंग विद पीएल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सो आगे का प्रोसेस देखते हैं हम, अभी एक एक स्टेप को बहुत अच्छे समझने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मेड्रिपोराइट की, जो सबसे पहला ही स्ट्रक्चर था। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मेड्रिपोराइट है बिल्कुल सेंटर में सिचुएट होता है, कैलकेरियस प्लेट होती हैं ये, जो कि बिल्कुल सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटररेडियल पोजीशन में। इनके सरफेस पर खांच प्रेजेंट होती हैं जो कि नैरो होती हैं, सीधी सी खांच होती हैं, ठीक है। हर एक फ्यूरो, इनको खांच बोलते हैं हिंदी में, उस पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पानी को शक करने का काम करते हैं। इनके थ्रू ही पानी एंटर करता है इनके बॉडी में, जो कि बिल्कुल बॉटम सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। हर एक पोर किस में लीड करता है, पोर कैनाल में लीड करता है। और ये पोर कैनाल कितने हो सकते हैं, 200 पोर और पोर कैनाल इनके बॉडी में पाए जाते हैं। कहाँ, कौन से रीजन में, मेड्रिपोराइट में, जहाँ से पानी ने एंटर किया था शुरू में ही, ठीक है। अब ये जो पोर कैनाल होती हैं ये आपस में यूनिट बनाती हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, कैनाल बनाती हैं, उस कलेक्ट करती हैं कैनाल्स को। और ये कहाँ जाकर खुल जाती है, एम्प्यूला में। एम्प्यूला कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल मेड्रिपोराइट के पास ही प्रेजेंट था एम्प्यूला रीजन, वहाँ ही खुल जाती हैं सारी पोर कैनाल जाकर। अब सेकेंड स्टेप जो आता है इसमें वो आता है स्टोन कैनाल। मेड्रिपोराइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, क्या क्या रोल है इसका। अब हम आते हैं स्टोन कैनाल पर। स्टोन कैनाल का जो रीजन है इसमें क्या प्रेजेंट है, जो एम्प्यूला रहता है ये किस में खुलता है, एस शेप स्टोन कैनाल में, यानी कि जो स्टोन कैनाल है ये एस शेप होती है। स्टोन कैनाल जो होती है ये एक्सटेंड होती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुलती है, यानी कि देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, अभी ये यहाँ से नीचे तरफ खुल रही है, ठीक है। अब नीचे तरफ खुलती है किसमें, रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल कैसा, इस तरह का स्ट्रक्चर था रिंग कैनाल, जो कि सभी भुजाओं से होकर गुजर रहा था, ठीक है। और किसमें खुलता है, लास्ट में जाकर रेडियल कैनाल में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, रिंग कैनाल, माउथ के पास प्रेजेंट था। अब जो स्टोन कैनाल की वॉल होती हैं वो कैलकेरियस रिंग उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है यंग एस्टीरियज की, उसमें तो स्टोन कैनाल बहुत ही सिंपल तरह की होती है, बट इन एडल्ट एस्टीरियज ल्यूमन जो होता है स्टोन कैनाल का वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखना, जब एडल्ट स्टेज आती है तो स्टोन कैनाल बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप हो जाती है, लेकिन जब छोटे होते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें जो स्टोन कैनाल है बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, ठीक है। मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एडल्ट स्टेज में जाके, ठीक है। समझ में आया एक प्रोसेस आपको। नेक्स्ट बात करते हैं रिंग कैनाल की। अब जो स्टोन कैनाल किस में खुलती है जाकर, रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल या फिर जिसका दूसरा नाम होता है वाटर रिंग, ठीक है, ये कहाँ स्थित होते हैं, ये पेरिस्टोमल रिंग के पास बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं एब्रल रीजन पर, ठीक है। ये बहुत ही वाइड होता है और पेंटागोनल फाइव साइडेड होता है। मैंने बताया था कि कैसा होता है, इस तरह का से फाइव साइडेड है, बिल्कुल सभी भुजाओं में खुलता है ये जाकर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइडमैन बॉडीज की। टाइडमैन बॉडीज जो होते हैं ये इस तरह, ये रिंग कैनाल है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, इस तरीके से कुछ टाइडमैन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि टोटल नंबर में 9 होती हैं, ठीक है। ये कैनाल जो होती हैं गिव्स आउट, यानी कि कहाँ डालती हैं पानी को, इंटररेडियल में, जो 9 होती हैं, स्मॉल होती हैं, थोड़ी येलोइश रहती हैं कलर में, इररेगुलर तरह की होती हैं, और राउंडेड ग्लैनुलर बॉडीज होती हैं, जिनको रेसिमोज या फिर टाइडमैन बॉडीज के नाम से जाना जाता है, जो कि इनके अंदर के मार्जिन, ये अंदर का मार्जिन है ना, यहाँ प्रेजेंट होती हैं। अंदर के मार्जिन पर टोटल 9 बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको टाइडमैन बॉडीज या फिर रेसिमोज के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअल फंक्शन जो होता है टाइडमैन बॉडीज़ का वो तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये सपोज किया जाता है कि लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती है उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं ये, और अमीबोसाइट जो होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम ये टाइडमैन बॉडीज़ करती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोलन बॉडीज़ की। अब पोलन बॉडीज़ में पानी आ गया, रिंग कैनाल ने पानी किस में डाल दिया, इनर साइड जो होते हैं, इनर पोजिशन पर, वो जो ये होती हैं पोलन बॉडीज़, ये एक भी हो सकते हैं संख्या में,
दो चार भी हो सकते हैं, इनकी नाशपाती के आकार के इनकी क्या होती है, पियर शेप बिल्कुल क्या होते हैं ये आकार में रहते हैं। तो इन्हीं को पोलियन वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है। अब इनका काम होता है कि ये रेगुलेट करें प्रेशर को, किसके अंदर, जो एम्बुलेक्टल सिस्टम कह लें फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम कह लें, उसके अंदर पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं इनफैक्ट। और किसको मैन्युफैक्चर करते हैं, एम्बुलेट सेल जो होते हैं एम्बुलेक्टल सिस्टम की, उनको भी मैन्युफैक्चर करने का काम कौन से सेल करती हैं, हमारी रिंग कैनाल्स, सॉरी कौन से करती थी, पोलियन वेसिकल करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हमारा वाटर एंटर कर गया रेडियल कैनाल में, इसके आउटर सरफेस होता है रिंग कैनाल का, किस में जाता है पानी, वाटर कैनाल में। मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था कि रिंग कैनाल के थ्रू पानी एंटर करेगा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से पानी जाता है लेटर कैनाल के थ्रू ट्यूब फीट में, ठीक है। अब जो ये रेडियल कैनाल होती है ये हर भुजा में पानी को भेज देती है और किस में टर्मिनेट कर देती है, जो टेंटिकल्स होते हैं वहां तक। अब जो आर्म होती है रेडियल वाटर कैनाल की, ये इमीडिएटली ओरल साइड जो होते हैं एम्बुलेक्टल मसल्स के उनमें एंटर कर जाता है। अब लेटरल कैनाल में एंटर करते ही पानी किस में जाता है, ट्यूब फीट में। अब लेटरल कैनाल जो होती हैं, हर एक आर्म में रेडियल कैनाल जो होती है पानी देती है किसको, दो सीरीज होती है लेटरल कैनाल की जो इस तरीके से अरेंज होते हैं ट्यूब फीट में, इधर भी अरेंज थी और इधर भी अरेंज थी, जिससे ट्यूब फीट अटैच होते हैं। तो अब क्या होता है कि हर एक लेटरल कैनाल अटैच होती है बेस में जाकर ट्यूब फीट से। अब ये क्या करती है, ट्यूब लेटरल कैनाल का एक और काम भी होता है ताकि पानी पीछे की तरफ रेडियल कैनाल में वापस एंटर ना कर जाए। ये तो काम होता ही है कि ट्यूब फीट में पानी एंटर करेगा इसकी वजह से, लेकिन ये काम भी होता है इसका कि विद अ वाल टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूड इनटू द रेडियल कैनाल, कि वापस से रेडियल कैनाल में पानी एंटर ना कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में देखते हैं। अब आती है बात ट्यूब फीट, लास्ट स्ट्रक्चर आ गया हमारा ट्यूब फीट। ट्यूब फीट में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि यहाँ पे रो होती है ट्यूब फीट की, एम्बुलेक्टल ग्रूव में एक ट्यूब फीट, जैसे ये स्ट्रक्चर था ना इस तरीके से, ट्यूब फीट कुछ ऐसी से संरचना थी जिसमें ये क्या था, ये था एम्प्यूला और ये था पोडियम एंड ये था शकर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था एम्प्यूला का, मतलब ट्यूब फीट का। तो ट्यूब फीट या फिर जिसको पोडियम कहा जाता है, बहुत ही होलो, मतलब अंदर से खोखला सा होता है, इलास्टिक होता है, थिन वॉल्ड होता है, क्लोज सिलेंड्रिकल सैक लाइक यानी कि थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसमें अपर सैक लाइक एम्प्यूला, ऊपर की तरफ एम्प्यूला प्रेजेंट है, मिडल ट्यूबुलर पोडियम, मिडल में क्या प्रेजेंट था, पोडियम, और लोअर में क्या प्रेजेंट है, लोअर डिस्क लाइक शकर, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रक्चर था ना, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो एम्प्यूला है वो आर्म्स के जस्ट पास ही राइज करता है, मतलब आर्म्स के ही पास, ये जो आर्म्स होते हैं इस तरीके, तभी तो वहाँ स्ट्रक्चर बना रहा था इस तरीके से, ट्यूब फीट वहीं तो प्रेजेंट थे। तो एम्बुलेक्टल वेसिकल्स जो होते हैं ये पोडियम, मतलब वही पोडियम इसमें पाए जाते हैं, ये पूरी संरचना जो होती है मिलकर क्या बनाते हैं, ट्यूब फीट बनाती है। और जो ट्यूब फीट होते हैं ये चीफ लोकोमोटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं एसटीडीज के। तो हम कंप्लीट वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही कम टाइम में। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।